हे दालवीज हव यू ऑल कैसी है मेरी लावीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रदोष का दिन कैसा होने वाला है कैसी एनर्जीज़ होने वाली हैं ये प्रदोष आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं ध्यान रखिएगा कल चार बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाली हूँ और ये लाइव सेशन इंस्टा पर भी होगा यूट्यूब पर भी होगा तो पहले मैं चार बजे यूट्यूब पर लाइव आऊँगी उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगी और कल प्रदोष भी है तो आप उसको बिल्कुल भी ना भूलें कोशिश करूँगी आपको गाइडेंस दूँगी रेमेडीज बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए तो कल चार बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी अगर आप Insta पर फॉलो करते हैं तो मैं Insta पर भी चार दस तक ऑनलाइन आऊँगी लाइव आऊँगी आप सब लोगों के लिए तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें चलिए देखते हैं एनर्जीज कैसे होने वाली हैं प्रदोष की अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें पहला कार्ड आ गया है दैट इज़ फोर ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड इट्स सेल्फ सेज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है प्रदोष एक ऐसा दिन होता है जो बड़ी से बड़े या जो काम आपका बहुत समय से नहीं हुआ उसको भी पूरा करता है नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ वॉन्ट्स पहला कार्ड आ गया है फोर ऑफ पेंटिकल्स टू ऑफ वॉन्ट्स सिक्स ऑफ वॉन्ट्स दैट्स ग्रेट अरे वाह एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमारे साथ है सबसे पॉजिटिव कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आ गया है चलो दैट्स ग्रेट और एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी दैट इज़ वी हैव सेवन ऑफ वन बॉटम डेक भी चेक कर लिया जाए क्योंकि उसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज का गाइडेंस थोड़ा डिफरेंट होगा बॉटम डेक वी हैव फोर ऑफ सोट्स ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स टेक अ डीप ब्रेथ और देखते हैं प्रदोष का दिन मेरे व्यूअर्स के लिए मेरी लविज आदमी के लिए क्या एक इंडिकेशन क्या एक मैसेज लेकर आ रहा है ऐसा फील होता है मुझे कि अभी ये करंट जोन में जिस टाइम में अभी आप डील कर रहे हो जिस टाइम को अभी आप डील कर रहे हो आपके माइंड में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है या तो वो चीज़ आपको एक परेशानी दे रही है एक एक स्ट्रेस दे रही है और उस वजह से ना आप किसी पे होल्ड करके बैठे हुए हो आई फील लाइक कि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन या सामने वाला इंसान जब एक्शंस लेगा तभी चीज़ें बदलेगी तभी कुछ हो पाएगा थोड़ा कन्फ्यूजन आपके अंदर है कन्फ्यूजन मुझे बहुत दिख रहा है और उस कन्फ्यूजन की वजह से आप बहुत अनहैप्पी भी मुझे दिख रहे हो स्ट्रगल अभी चल रही है चैलेंजेस भी अभी चल रहे हैं लेकिन कुछ माइंड में बात ऐसी आपकी बैठी हुई है जो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन की तरफ लेकर जा रही है साथ ही साथ सेकेंड जो चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है किसी पर ज़्यादा भरोसा या किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है ऐसा फील होता है कि अंदर ही अंदर ना थोड़ा एक आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप किसी सामने वाले पर ज़्यादा ट्रस्ट करके काम को डिले कर रहे हो जो कि आपके लिए एक नेगेटिव पार्ट मुझे दिख रहा है आपको चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव मैनर में समझना पड़ेगा और जो भी इशू अभी आपके माइंड में चल रहा है आई फील कि भोले बाबा इसको बहुत जल्दी बेटर करेंगे अपसेट मत हो एक नए स्तर से प्रैक्टिकल माइंडसेट से चीज़ों को वेट करो चीज़ों को देखो किसी फेज़ में ऐसा फील होता है कि जिसका वेट आपने बहुत समय से करा है जिस पर आपने बहुत समय से एक हार्डवर्क लगाया है आपको उसका नतीजा मिल सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग भी मुझे अभी एक अच्छी बिगनिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं एक अच्छी नई लाइफ के जोन पे जाते हुए दिख रहे हैं एक अलग ऐसे सिनेरियो में जाकर दिख रहे हैं जहाँ से उनको एक बहुत बड़ा अच्छा नतीजा मिलने वाला है लाइफ में आप एक ऐसे जोन में हो कि आपकी जो स्ट्रगल है जो आपका चैलेंज है जो भी आप फेस कर रहे हो वो धीरे धीरे खत्म होगा थोड़ा ना अपने अंदर का सेल्फ लव आप इंक्रीज़ करो थोड़ा आप अपने अंदर के चैलेंजेस को पॉजिटिव मैनर में डील करो क्योंकि आ, मुझे ऐसी फीलिंग समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का माइंडसेट एक हेक्टिक एक परेशानी मत बनाओ थोड़ा अपने आप को थोड़ा अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करो क्योंकि आपकी जो अंदर की चाह है आपके अंदर का जो सेल्फ लव है आपके अंदर का जो विल है वो आपको एक अच्छे कंसर्न पर लेकर जा सकता है जो आप डिज़ायर करते हो वो पॉजिटिव मैनर में आपको मिलेगा तो नो डाउट लेकिन जीत आपके साथ है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि भली चीज़ें डिले हो रही है धीरे हो रही है लेकिन ये बहुत अच्छे नतीजों की तरफ ले जाएगी अपने अंदर की चीज़ों को ना नेगेटिव मत बनाओ आपका विल आपका इंट्यूशन आपको सब कुछ बना सकता है अंदर ही अंदर आप चीज़ों से लड़ तो रहे हो लेकिन आप अपने लिए जो एक इंडिकेशन या अपने लिए जो सेल्फ लव बनाना चाहिए वो आप मिस कर रहे हो और वो हमें मिस नहीं करना है वो हमें पॉजिटिव मारे में डील करना है वो हमें पॉजिटिव माने में एक्सपीरियंस करना है ये प्रदोष किसी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग को तो लेकर आ रहा है किसी प्रकार के सक्सेस को लेकर आ रहा है हो सकता है जॉब में प्रमोशन हो सकता है हो सकता है जॉब से एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है करियर फेज से अच्छी न्यूज़ मिल सकती है बस कन्फ्यूजन मत रखना जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ डाउट है और डाउट है तो फिर यूनिवर्स को पता है कि आगे क्या करना है डाउट में वो कभी किसी की हेल्प नहीं करते बोलो उनको क्लियरली क्या चाहिए कैसा चाहिए कब चाहिए वो सब आपकी सुनेंगे लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए आपको भी समझना पड़ेगा ब्लेम मत करो खुद को ब्लेम मत करो कि ऐसा हो गया किसी को भी ब्लेम मत करो जो हो रहा है किसी वजह से हो रहा है किसी रीजन से हो रहा है और वो होगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता थोड़ी लाइफ में नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है अपसेट मत हो परेशान मत हो लाइफ में जो भी सिनारी चल रहा है उसको एक अच्छे जोन से अच्छी एनर्जी से आप समझो जो भी आप चाहते हो वो बेटर होगा लेकिन एक मेंटल स्ट्रेस अगर चीज़ों का बढ़ाते जाओगे ना तो चीज़ें नेगेटिव होगी और आज की कार्ड्स के इंडिकेशन में सबसे पॉजिटिव या सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे आपके लिए दिख रहा है दैट इज सेल्फ़ लव सेल्फ लव का गाइडेंस आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे आपको देना चाहिए और आपको मुझे आपको इस बारे में बताना चाहिए यही सेल्फ लव चीज़ों को बेटर करेगा और यही सेल्फ़ लव जो ये कन्फ्यूजन जोन में हो नेगेटिव हो रहे हो ना इससे बहुत जल्दी बाहर निकालेगा सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी प्रदोष कल प्रदोष का रिचुअल करना बिल्कुल भी ना भूलें मंदिर में नहीं कर सकते घर पे ज़रूर करें पर मंदिर में करना बहुत बहुत ऑस्पिशियस होता है पीरियड्स में नहीं करना है और कल मैं आप लोगों के लिए फॉर श्योर लाइव सेशन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड और ब्यूटीफुल करने वाली हूँ तो चार बजे मिस ना करें बिल्कुल भी और आप लोग सब लोग ज़रूर आएँ क्योंकि कल मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है अब वो क्यों है स्पेशल वो कल ज़रूर पता चल जाएगा राधे राधे